हाँ ले जाओ उसे। वैसे भी एक ही शख्स को बार बार गिरता देखकर मोहब्बत पर से ईमान उठ गया है। जी जी ठीक है, सब क्लियर हो गया मेन्यू? हाँ हाँ बस ठीक है, चले ओके ओके ओके। शुक्र है भाई, मेन्यू और कैटरिंग का मसला तो हल हुआ। इंशाल्लाह बहुत लजीज खाना बनवाऊंगी मैं। निम्रा मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। हाँ खाला, सब कुछ आप कर रही हैं तो अच्छा ही होगा। अगर अपनी खाला पर इतना भरोसा है तो इतनी चुप चुप और खामोश क्यों बैठी हो? शाहजेब की वजह से। क्यों, कुछ कहा उसने? यही तो मसला है खाला, कुछ कह ही नहीं रहा। शादी के लिए हाँ तो कर दी है लेकिन मेरी तरफ देखता भी नहीं है। मैं पास आती हूँ तो उठ के चला जाता है। मुझे तो लगता है वो अब भी इसरा के गम में मजनू बना फिर रहा है। नोटिस तो मैं भी कर रही हूँ ये बात कि वो शादी की तैयारी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। शादी की शॉपिंग भी मुझे आपके साथ करनी पड़ी, ऐसे होती है शादी की तैयारी। अरे बेटा शादी की शॉपिंग अभी मुकम्मल तो नहीं हुई ना, अभी तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, अभी तो शॉपिंग बाकी है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ शाहजेब तुम आ गए। अभी मैं निम्रा से तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी कि तुमने इसे शॉपिंग के लिए कहा या नहीं। शॉपिंग के लिए? अरे तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी हो। अरे बेटा शादी की शॉपिंग, और कौन सी शॉपिंग भला? मम्मा आप लोग कर तो रहे हैं, काफी है ना? हाँ कर तो लिया है लेकिन अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। शादी का जोड़ा तो मैंने निम्रा को दिला दिया लेकिन वलीमे का जोड़ा ये तुम्हारे साथ जाएगी और तुम दोनों अपनी पसंद से। मम्मा मैं बहुत थका हुआ आ रहा हूँ ऑफिस से, मेरे सर में भी दर्द है, मैं आराम करूँ। अरे बेटा ऐसी क्या बात है, अभी निम्रत में चाय बना कर देगी, मेडिसिन लोगे तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर तुम निम्रा को अपने साथ लेकर जाओगे और वलीमे का जोड़ा दिलाओगे। मम्मा मैं क्या मैं बेटा अपनी जिम्मेदारी को समझो। जाओ रेस्ट करो। इसरा अल्लाह से कुछ और ही मांग लेता, अभी बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। खैरियत, तुम्हें दुआ की जरूरत क्यों पड़ गई? एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? मैं काफी देर से एक फीमेल ड्रेस सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी शॉप्स फिर रहा हूँ लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देती हारिस लेकिन अभी मुझे खुद जरा जल्दी है। एक ड्रेस की तो बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर तुम कहो तो मैं हमाद भाई को कॉल कर दूं। भाई को कॉल करने की जरूरत नहीं है, चलो मैं कर देती हूँ तुम्हारी मदद। वैसे किसके लिए चाहिए ड्रेस? एक लड़की के लिए चाहिए।
जी आप उनसे कहिए कि मैं आपसे बाद में बात करूं। चलो यहां से इसरा। हाँ ले जाओ उसे। वैसे भी एक ही शख्स को बार बार गिरता देखकर मोहब्बत पर से ईमान उठ गया है। दीदी मैं नहीं हूं, गिर तो तुम गए हो, वो भी इस नम्रा के कदमों। एक्चुअली तुम उसे रिजर्व करते थे और तुमने मेरी राह खोती कर दी। तुम्हें बहुत मुबारक हो शाजी, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे और तुम्हारे पछतावे के लिए मेरे पास माफी नहीं होगी। पछता लो, जब अपने ही सिक्का खोटा निकला है ना, तो जिंदगी भर पछताना ही पड़ेगा। लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, खाला जान। हम्म, खाला जान क्या कर रही हैं आप ये? अरे कुछ नहीं भाई, सारे जेवरात घर में पड़े थे तो मैंने कहीं तरीके से रखूं और फिर लॉकर में रखवा दूं। मैं देख लूं? हाँ हाँ देख लो। कितना हसीन है ये, किसके हैं खाला जान ये? अरे मेरे हैं, और किसके होंगे? इतने सारे? अब ये इतने सारे कहाँ हैं, कुछ तो तुम्हें मैंने बरी में डाल दिए थे, अभी कुछ लॉकर में पड़े हैं, बाकी ये। खाला जान वो भी अच्छे थे लेकिन इनकी बात अलग है। तुम्हें पसंद है तो रख लो, पहनकर वापस कर देना। पहन के क्यों खाला जान, मैं अपने पास नहीं रख सकती क्या? तुम कहाँ संभालती फिरोगी, मैं ही संभाल सकती हूँ ये जेवरात। मतलब अब आपको भी उल्लू बनाना पड़ेगा? चलें जी खाला जान, ये भी कर लेंगे, पहले निम्रा की शादी हो जाए फिर आपसे भी निपट लेती हूँ। वाकई आप ही संभाल सकती हैं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। छुपी ये देखो कैसा है, दिखाए मुझे। हाँ
कितना हसीन है, मैं एक दफा पहनूंगी कल। हाँ हाँ जरूर पहनना। ये मुझे अच्छा होता कि तुम भी साथ चले चलते तो। मॉम मेरा कहीं दिल नहीं लगता। मैं जानती हूँ कराची के अलावा तुम्हारा कहीं दिल लगेगा भी नहीं। खानदान की शादी थी, दो चार दिन के लिए चले चलते। नहीं मैं इसरा को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो जिस सिचुएशन से गुजर रही है ना, उसे मेरी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। क्या कह सकती हूँ, डांट टपट करके भी देख लिया मैंने तो। अब कुछ नहीं कहना, बस आप खानदान में नेक्स्ट शादी की तैयारी करें, वो भी आपके बेटे की। जिस चीज में तुम खुश हो उसमें मैं खुश हूँ। बिल्कुल। अच्छा चलें जल्दी करें, फ्लाइट कहीं मिस ना हो जाए। मुझे लगता है मैंने इसरा के लिए जो फैसला किया वो ठीक है। हारिस इसरा से शादी के लिए तैयार है और मुझे यकीन है कि वो इसरा को बहुत खुश रखेगा। उसके लिए बेहतर वैसे भी यही है। क्या बेहतर है, क्या मतलब है मम्मा? किस किस्म की बातें हो रही हैं यहाँ पर? मैं अभी भी शाहजेब के निकाह में हूँ। आपको हारिस ने कुछ कहा है? सिर्फ उसने कही हो या मैंने, हम दोनों सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती भाई। और प्लीज अब मुझसे इस बारे में कोई बात ना करें। मुझे तो सोच के भी अजीब सा लग रहा है। इसरा हम सब यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम यहाँ सोग में बैठे हो और वो शख्स वहां पे अपनी दूसरी शादी की रस्म एंजॉय कर रहा है। दूसरी शादी? हाँ दूसरी शादी, और वो भी मिंद्रा के साथ। अपनी रजामंदी से। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। यही हकीकत है इसकी। तुम्हारा दिल उजाड़ कर वो वहां अपना घर बसा रहा और हम यहां उसकी खुशी की थाप सुनते रहे। तकलीफ उसे भी पहुंचनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। जब वो सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठना चाहती है तो क्या गन पॉइंट पर उसे खुला दिलवाएंगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए जो मुनासिब होगा वो करूंगा। पेपर्स पे साइन करो। क्या है ये?
खुला कर केस फाइल कर रहा हूं। तुम्हारी रजामंदी चाहिए। देखो बेटा, जिंदगी में कभी कभी हमें कड़वा फूट पीना होता है। तुमने एक बार अपनी मर्जी की और हमने सब कुछ भुला के तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन तुम फिर से अपने आप को दलदल में धकेलना चाह रही हो और ये मैं नहीं देख सकता। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारी भलाई और खुशी के लिए कर रहा हूं। तो अपने भाई की मर्जी मानकर इन पेपर्स को साइन करो। मैं समझूंगा कि एक बहन ने अपने भाई की मोहब्बत का मान रखी। हमाद बिल्कुल ठीक कह रहा है इसरा। जब शाहजेब को तुम्हारी फिक्र नहीं है तो फिर तुम क्यों कर रही हो उसकी फिक्र? इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है। कह इश्क खुदा समझो नहीं के अफसाना। इश्क है जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे। साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है। क्या वो साइन क्यों लिखी? जिस शख्स ने मेरा एतबार नहीं किया, मुझे बेएतबार कर दिया, मैं उसके साथ वैसे भी नहीं रहना चाहती। लेकिन मैं इस खुलानामे पर साइन नहीं करूंगी। पहले मैं खुद पे लगा ये गंदा इल्जाम मिटाना चाहती हूँ। पर ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना।
को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, ये इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, ये इश्क है। और शाज़ीब, शाज़ीब का जो नुकसान होगा उसका क्या? इमरा उसे बहुत चाहती है, वो बहुत खुश रहेगा। शक तो मुझे पहले ही था। इसीलिए आई थी मैं उस दिन तुम्हारे पास, तुमसे पूछने के लिए कि तुम्हारा किरदार क्या है इस कहानी में। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। हेलो हारिस, कैसे हो तुम? क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे तुमसे बस एक छोटी सी फेवर चाहिए। इसरा मामा का प्लेन क्रैश हो गया। क्या? हाँ, मैं सुनी की डेड बॉडी लेने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी। मम्मा को बता कर आती हूँ। मम्मा, बस निमरा की शादी की देरी है, फिर मेरे सारे डर खत्म हो जाएंगे। निमरा बड़ी सीधी और बेवकूफ है, वो मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगी। वैसे भी वो अपने जहन से कब सोचती है, बेचारी वही करती है जो मैं उसके जहन में डालती चली आ रही हूँ। जब मुझे एहसास हुआ कि एक अजनबी लड़की जठानी बनकर आ गई तो इस घर पर राज करने का मेरा ख्वाब टूट जाएगा। लेकिन निमरा का इंतकाल करके जब मैंने उसे शाज साहब का ड्रामा करने को कहा तो वो उसी की ओर के रह गई। अच्छा ये कम से कम उसका ध्यान शाज साहब की तरफ तो लगा रहेगा। और मैं अकेली इस घर पे हुक्मरानी करूंगी। नहीं काला जान तो बहुत कर ली उन्होंने अपनी मनमानी, खामोश होकर आराम से रहेंगे तो ठीक है। अगर मेरे मामले में उन्होंने भी जरा भी टांग लड़ाने की कोशिश की तो किसी खैराती इदारे में जाके जमा कराऊंगी। मैं वहां खुश, मैं यहाँ।
ये लो, मुझे था तुम्हें इसकी जरूरत होगी। थैंक यू। इतने गौर से क्या देख रहे हो? वैसे ही सोच रहा था। किसी चीज को बनाने में कितना वक्त लग जाता है, तो बिगड़ने में एक लम्हा। ट्रू, जिंदगी भी कुछ इसी तरह है, जिसको संवारने के लिए हम बरसों लगा देते हैं, लेकिन हमारा एक गलत फैसला हर चीज को बिगाड़ देता है। फिर ना कोई खुशी रहती है, ना सकूं। मायो तो हो गया, बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम एक अच्छा फैसला करने जा रहे हो शाह से? मैंने सोचना छोड़ दिया है। तुम्हें सोचना चाहिए, भाभी के लिए ना सही, लेकिन ये जो निमरा है, तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना एक अच्छा फैसला है कि नहीं। क्या सोचूं? मम्मा हमेशा से चाहती थी कि निमरा उनकी बहू बन जाए। निमरा भी यही चाहती थी। तुम क्या चाहते? अपने दिल से पूछा कि वो क्या चाहता है? इस दिल ने तो मुझे रास्ते की धूल बना के रख दिया। शाज़ेब, इमोशनल होके फैसले मत लो। ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और जब कल तुम और भाभी वापस एक होंगे तो तुम कभी एक नहीं हो। कभी नहीं। ये तो मेरी माँ ही सब कुछ थी ना, उनके अलावा था ही कौन मेरा? छोड़ के चले गए मुझे, चले गए मुझे छोड़ के। अल्लाह की रजा मानकर खुद को संभालो, तुम्हें इस वक्त खुद अपना सहारा बनना है। हौसला, मुनी को कोई नहीं टाल सकता। प्लीज गिरी मैं नहीं हूँ। गिर तो तुम गए हो, वो भी इस निंद्रा के करके। एक्चुअली तुम उसे रिजर्व करते थे और तुमने मेरी राह खोटी कर दी। तुम्हें बहुत मुबारक हो शास्त्रा, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम बहुत पछताओगे।
बहुत ज्यादा पछतावे, और तुम्हारे पछतावे के लिए मेरे पास माफी नहीं होगी। जाते हुए तुम्हें एक इतला देता जाऊंगा, इस रस को खुला दिलवाने के बाद मैं हारिस और उसकी शादी करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम कोई तमाशा नहीं खड़ा करोगे। तुम्हें सोचना चाहिए, भाभी के लिए नाज़ है, लेकिन ये जो निमरा है, तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना एक अच्छा फैसला है कि नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कोई मौका है इस तरह की बात करने का? हारिस, मुझे तुम पर पहले ही बहुत गुस्सा है, तुम इसरा को भूल क्यों नहीं चाहते? नहीं भूल सकता, मुमकिन नहीं है। क्यों, क्यों मुमकिन नहीं है? तुम पहले इस मामले को बहुत खराब कर चुके हो, बस करो। कोई खराबी नहीं, अमाद राजी है मेरा इसरा के साथ निकाह करवाने के लिए। मामा भी राजी हो गई थी, लेकिन मोहलत ही नहीं मिली। और इसरा, इसरा राजी? यूं ही समझ लो, तुम क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? सिर्फ दो मुलाकातों में मैं उनके बीच की मोहब्बत की गहराई को समझ गई, तुम क्यों फरेब दे रहे हो? खत्म हो चुकी है उन दोनों के दरमियान मोहब्बत, नहीं रही कोई मोहब्बत। अच्छा, जो तुमने और समीरा ने ड्रामा किया उसकी वजह से? वो ड्रामा जिसकी वजह से मैं इसरा की नजरों में नजरें मिला के नहीं देख सकती। तुम्हारे कहने पे मैंने समीरा को दोष शो किया, ताकि इसरा को इनवाइट कर सकूं घर पे, तुम्हारे प्लान के मुताबिक, क्योंकि तुमने कोई जरूरी बात करनी थी, मैंने उसको ऊपर कमरे में भेजा। पर समीरा ने क्या किया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, शाहजेब को लाकर दिखाया कि वो तुम्हारे साथ अकेली है, इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। और मुझे मुझे तुम लोगों ने ला इल्म रखा अपने प्लान से। तुम इसरा की सास के साथ मिलके जो कर रहे हो ना, इससे बेशक उनके बीच में दूरियां आ जाएं, और शायद शायद निमरा की शादी भी शाह से हो जाए, लेकिन तुमने कभी सोचा है जब सबके सामने हकीकत आएगी तो क्या होगा? इसरा एक बार मेरी हो जाए ना, तो बेशक सच खुलता रहे। कोई परवाह नहीं मुझे। तुम्हें परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे परवाह है। इस तरह को जब तुम्हारी हकीकत का पता चलेगा ना, एक पल भी वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। मैं उसे अपनी मोहब्बत से इतना मजबूर कर दूंगा ना कि वो मुझे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकेगी। और शाहजेब, शाहजेब का जो नुकसान होगा उसका क्या? इमरा उसे बहुत चाहती है, वो बहुत खुश रहेगा। शक तो मुझे पहले ही था। इसीलिए आई थी मैं उस दिन तुम्हारे पास, तुमसे पूछने के लिए कि तुम्हारा किरदार क्या है इस कहानी में। इसरा? क्या इसरा?
मेरे दुश्मनों के साथ मिलके इतना गंदा खेल खेला हरिस, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा सच हमेशा छुपा रहेगा? देखो तुम्हारी असलियत आ गई मेरे सामने। अपनी कसी जुबान से मेरा नाम मत लेना। मेरे किरदार पे दाग लगाकर इसे मोहब्बत का नाम देते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम्हें क्या लगा था अगर शाज़िब मुझे छोड़ देगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी? इसरा तुम उस शख्स के नाम पर कैसे जिंदगी गुजार सकती हो जो तुम्हारा एतबार करने के बजाय हमारे दिखाए हुए मंजर पर एतबार करे? कैसे, क्यों? और तुमने क्या किया? तुम पे एतबार करूं? बताओ तुम एतबार के काबिल हो? तुम जियो या तुम मरो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन दुख मुझे जरूर है। दुख इस बात का कि तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ के तुम पे भरोसा किया, लेकिन तुम तो नफरत के भी लायक नहीं। एक और लफ्ज नहीं। कहा था ना अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लेना। इसरा मैंने जो कुछ किया तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया। इसरा हरिस जाने दो उसे। इसरा तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। हरिस जाने दो उसे। नहीं छोड़ सकती तुम मुझे। छोड़ सकती है? मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। अरे जाने दो से। कैसे जाने दो? मैं नहीं जाने दूंगा। अफसाना इश्क है जान।